स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं हैलोजन डेरिवेटिव का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो सी है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्जन, दैट इज हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल फ्लोराइड। तो जब भी यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को अल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करने को बोला है तो वो आपको याद रखना है कि उसे हम बोलते हैं स्वर्ट्स रिएक्शन। ऑलराइट, तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड क्या है, मिथाइल क्लोराइड है और इसे कन्वर्ट करने बोला है मिथाइल फ्लोराइड में। तो जब भी मिथाइल फ्लोराइड हो, दैट इज अल्काइल फ्लोराइड हो, तो आपको याद रखना वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो स्वर्ट्स रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड, दैट इज CH3Cl। मिथाइल क्लोराइड को हमें कन्वर्ट करना है मिथाइल फ्लोराइड में, तो इस मिथाइल क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है कि ये स्वर्ट्स रिएक्शन है। तो स्वर्ट्स मूवी देखने गया है, कौन सी मूवी देखने गया है, AGF मूवी। कौन सी मूवी देखने गया है स्वर्ट्स, AGF मूवी देखने गया है। तो ये मिथाइल क्लोराइड को हम रिएक्ट करवाएंगे AGF के साथ। सो यहां पर ये मेटल और नॉन मेटल, दैट इज Ag और Cl, ये बाहर आ जाएगा और यहां पर फॉर्म होगा मिथाइल फ्लोराइड, दैट इज CH3F। सो दिस इज स्वर्ट्स रिएक्शन। ऑलराइट, यहां पर हमने मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट किया है मिथाइल फ्लोराइड में, तो इसे हम स्वर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल आयोडाइड। तो जब भी मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करने बोला हो तो वो होता है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन, और जब भी मिथाइल क्लोराइड को मिथाइल फ्लोराइड में बोला हो कन्वर्ट करने के लिए तो वो स्वर्ट्स रिएक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड, दैट इज CH3Cl, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। अब इसे किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन के लिए आपको याद रखना है फिंकल ने स्टीन को कहा रूबीना आई है, ठीक है, कौन आई है, रूबीना आई है। तो ये ना और आई याद रखना है, दैट इज NaI, सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे NaI, दैट इज सोडियम आयोडाइड। मिथाइल क्लोराइड को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जो फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है वो एसीटोन के प्रेजेंस में होता है। सो यहाँ पर NaCl ये आ जाएगा बाहर और यहाँ पर फॉर्म होगा मिथाइल आयोडाइड, दैट इज CH3 एंड दिस आई। ऑलराइट, सो दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें हम मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं मिथाइल आयोडाइड में। देन नेक्स्ट इज कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू इथेन। तो जब भी कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया गया और उसे अल्केन में कन्वर्ट करने बोला हो तो वो होता है आपका वॉच रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड, दैट इज CH3Cl। अभी इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो इसे हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, 2Na ले लेंगे। देन नेक्स्ट, अभी यहाँ पर जो हमने मिथाइल क्लोराइड लिया है, ठीक है, ये मिथाइल क्लोराइड है, इसको 2 times हम लेते हैं तो इसके वापस से हम यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज CH3Cl। अभी ये रिएक्शन होता है ड्राई इथर के प्रेजेंस में। सो यहाँ पर देखिए Na और ये Cl बाहर निकल जाएगा, दैट इज 2NaCl, 2NaCl। यहाँ पर क्या बचा, CH3CH3। सो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोडक्ट, दिस इज इथेन। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट किया है इथेन में। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू डाइफिनिल। ये है फिटिंग रिएक्शन, आपको याद रखना है, जब भी आपको क्लोरोबेंजीन को डाइफिनिल में कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो वो होता है फिटिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर होगा उसे हमें 2 times ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ। सो सबसे पहले हमें क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। This is क्लोरोबेंजीन। Then next, अभी यहाँ पर हम लेंगे सोडियम मेटल। अभी इस क्लोरोबेंजीन को वापस से ड्रॉ करना है, ठीक है। रिएक्शन ड्राई इथर के प्रेजेंस में होगा। सो यहाँ पर देखिए Na और Cl, दैट इज 2NaCl बाहर निकल जाएगा और यहां पर ये 2 benzene रिंग है, ये क्या हो जाएंगे, ये ज्वाइंट हो जाएंगे।
देन नेक्स्ट यहाँ पर 2NaCl बाहर निकला था, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2NaCl, यहाँ पर डाइफिनिल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अगर क्लोरोबेंजीन को डाइफिनिल में कन्वर्ट करने बोला है तो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरोबेंजीन को 2 times लेना है, यहाँ पर रहेगा सोडियम मेटल और ये रिएक्शन ड्राई थर के प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पर 2NaCl बाहर निकल जाएगा और ये 2 benzene रिंग क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर डाइफिनिल का फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, सो दिस इज फिटिंग रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज ब्रोमोबेंजीन टू टूलिन। अभी ब्रोमोबेंजीन को टूलिन में कन्वर्ट करना है, तो जब भी ब्रोमोबेंजीन को टूलिन में कन्वर्ट करने बोला जाता है तो वो होता है आपका वॉच फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन को यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पर हमें लेना है अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, डेट इज CH3Br। साथ ही साथ यहाँ पर हम सोडियम मेटल लेंगे, ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। सो यहाँ पर देखिए सोडियम दैट इज मेटल और ये नॉन मेटल दैट इज 2NaBr बाहर निकल जाएगा, 2NaBr ये आ गया बाहर साइड, और यहाँ पर ये जो CH3 है ये आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन के जगह पर। सो दिस इज टूलीन, सो दिस इज वॉच फिटिंग रिएक्शन जिसमें ब्रोमोबेंजीन को हम कन्वर्ट करते हैं टूलीन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सल्फोनेशन, सेकंड नाइट्रेशन, थर्ड इज अल्काइलेशन एंड फोर्थ इज एसिटाइलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू सल्फोनेशन। क्लोरोबेंजीन का हमको सल्फोनेशन करवाना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। This is chlorobenzene. अभी इस क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दैट इज H2SO4। सो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए यहां पर ये जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन है यहां पर अटैच होगा सल्फोनिक एसिड। जब भी सल्फोनेशन सल्फोनेशन बोला हो, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन करवाना है, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर कौन सा ग्रुप अटैच होगा, SO3H ग्रुप। अभी ये कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए अगर H2SO4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेट इज OHSO3H, तो यहाँ पर ये है नेगेटिव पार्ट और ये है पॉजिटिव पार्ट, तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये अटैक करता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, एक बार यहाँ पर आके अटैच होगा और एक बार यहाँ पर आके अटैच होगा, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक होता है मेजर प्रोडक्ट और दूसरा होता है माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर को हम 2 times ड्रॉ करेंगे। ये है ऑर्थो पोजीशन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है दैट इज सल्फोनिक एसिड SO3H, यहां पर हम अटैच करेंगे SO3H को, और एक बार पैरा पोजीशन पर, तो यहां पर बने हैं 2 products, दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। अभी इस कंपाउंड का नेम क्या है, दिस इज 1 chlorobenzene सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज 4 chlorobenzene सल्फोनिक एसिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो नाइट्रेशन मतलब क्या, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या ऐड होगा, नाइट्रो ग्रुप, दैट इज NO2 ग्रुप ऐड होगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। अभी इसे हम ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली 2 times क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बोला गया नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऐड होगा ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर, तो यहाँ पर 2 products फॉर्म हो, दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। इस कंपाउंड का नेम क्या है, सो दिस इज 1 chloro 2 nitrobenzene एंड दिस इज 1 chloro 4 nitrobenzene। देन नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है,
केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइलेशन। तो अभी हम अल्काइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, अल्काइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का अल्काइलेशन करवाना है, तो सबसे पहले तो हम क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। देन नेक्स्ट, अभी इस क्लोरोबेंजीन को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो जब भी किसी भी कंपाउंड का अल्काइलेशन करने बोला गया है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ। और जब भी अल्काइलेशन बोला है, तो यहाँ पर जो भी कंपाउंड का अल्काइलेशन करवा रहे उसको आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अल्काइल हैलाइड, दैट इज मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। और ये जो अल्काइलेशन रिएक्शन होता है, ये एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा, AlCl3। सो यहाँ पर क्या होगा, टू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक होगा मेजर और दूसरा होगा माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए, ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव पार्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, एक बार ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करेगा, एक बार पैरा पोजिशन पर। ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर एक बार हम CH3 ग्रुप को अटैच करेंगे और एक बार पैरा पोजीशन पर। ऑलराइट, सो दिस इज माइनर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। इस कंपाउंड का नेम क्या है, दिस इज 1-chlorotoluene एंड दिस इज 4-chlorotoluene। देन नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ रिस्पेक्ट टू एसिटाइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का एसिटाइलेशन करवाना है, एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन आ जाता है, मतलब ये जो कंपाउंड है इसे हम ट्रीट करेंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड, ये आपको याद रखना है। एसिटाइलेशन बोला है, तो ये जो क्लोरोबेंजीन है इसे हम रिएक्ट करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। अगर अल्काइलेशन बोला है, तो इस क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। CH3COCl, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन होगा एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। सो यहाँ पर देखिए, ये है पॉजिटिव पार्ट और ये है नेगेटिव पार्ट। ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है COCH3, ये अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। सो एक बार यहां पर हम लगा देंगे COCH3 को और एक बार पैरा पोजिशन पर। ऑलराइट, सो दिस इज 1-chloroacetophenone एंड दिस इज 4-chloroacetophenone। सो इस तरीके से यहाँ पर जो हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है, इसमें से ये सारे क्वेश्चन जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा और दो क्वेश्चन आप कर सकते हो, डेट इज SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। सिर्फ आपको इतना ही करना है इस चैप्टर से। सो आई होप कि ये जो हमने क्वेश्चन दिया है आपके लिए यूजफुल हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।